गिरफ्तार जी। देखिए हिमानी जी, अभी उन्होंने कहा कि टाइटल में कुछ गलती हुई है और फिर उन्होंने बताया कि मैं पांडे नहीं हूँ, दुबे हूँ। तो जितना पांडे और दुबे में फर्क होता है उतना ही फर्क है इनका और इनके पैसों में। ये जो कह रहे हैं ना कि हमारा नहीं है कोई रिश्ता नहीं है, उतना ही रिश्ता नहीं है जितना उसमें फर्क है, कोई गलती नहीं है। अरे कितना मिला है, 5 मशीनें गिनने लग रही है, 7 बक्से भरे जा चुके, 35 करोड़ हो चुका है। देखा नहीं है झारखंड की जनता ने, जिस प्रदेश को गर्त में धकेलते जा रहे हो, जिस प्रदेश को लूटे जा रहे हो, टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ हमारी सरकार आ रही है तो इसलिए पकड़े जा रहे हैं। अरे आपकी सरकार ने कार्रवाई करी है क्या? कार्रवाई किसकी है? आपके एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करी है क्या? क्या राज्य सरकार की कार्रवाई थी क्या? ये मोदी की सरकार है, इसीलिए जो जो ऐसा भ्रष्टाचारी चोर मिलेगा ना घर में घुस करके निकालेंगे, घर में घुस करके। आपने क्या सोच लिया कि सबका पैसा लूटेंगे और निकल जाएंगे? और ये तो हिमालय जी गुजरात में भी इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए ना। सुनिए, बात को भी सुनिए, एक बार सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए एक बार। हाँ हिमालय जी, देखिए ये तो मंत्री के पीए के नौकर हैं, सोचिए पास कितना होगा, सोचिए मंत्री कितना होगा। और मुख्यमंत्री बाबू की तो क्या ही कहें, वो तो दे ही है, गए हैं अंदर, देखेंगे आगे। इनकी जो समस्या है वो ये है कि जो भ्रष्टाचार की आदत हो चुकी है और ये लोग जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन इस देश में करने लगे हैं, अब वो दौर जा चुका है मानी जी। और वो दौर इसलिए जा चुका क्योंकि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार को लेकर। आप दोनों को रोक रही हूँ, दुबे जी अब आपको रोक रही हूँ। आपको भरपूर मौका दिया सिद्धार्थ जी ने, उस पर काउंटर रिएक्शन दिया था। लेकिन वरुण पुरोहित जी, वैसे तो आपके नेता जो है वो रो रहे हैं, टिकट वापस लौटा रहे हैं, आप भी सुना रहे हैं, लेकिन इतना था पैसा, अरे थोड़ा उनको भी दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वापस लौटा रहे हैं टिकट। लेकिन एक सेकंड सर, आ रही हूं दुबे जी देखिए बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। दुबे जी मैं आ रही हूं, अभी यही खत्म नहीं हो रही है डिबेट। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, 10 सेकंड में अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे किसी कैंडिडेट ने टिकट वापस नहीं किए हैं। मैं वरुण पुरोहित जी को कह रही हूँ, दुबे जी, दुबे जी पैसा ज्यादा होता है ना, यही प्रॉब्लम होती है। वरुण पुरोहित जी, आप पैसे कितने घमंड में क्यों हो यार? आलमगीर आलम वही है ना, जब चंपई सोरेन शपथ ले रहे थे तब वो जो 4 नाम सामने आए थे उनमें से आलमगीर आलम को भी इसीलिए रखा गया था, गांधी परिवार की तरफ से यही आया था ये नाम। एटीएम बन गए हैं अब लग रहा है धीरज साहू के बाद, इसीलिए आलमगीर आलम। और आलम देखिए जरा, हिमानी जी, राजनीतिक व्यवस्था जो है ना देश की, वो बगैर नकद के बगैर भ्रष्टाचार के चल ही नहीं सकते। अच्छा, जो बार बार मोदी जी को इस बात का चैंपियन बताया जा रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ चैंपियन है। वाह, जो नए नए कपड़े अभी आपने दिखाया, आम आदमी इतने 25 करोड़ 35 करोड़ नहीं देख सकता, ये नहीं कर सकता। आम आदमी रोज नए नए कपड़े भी नहीं बना सकता अपनी जितनी तनख्वाह प्रधानमंत्री जी को मिलती, तो कहाँ से शुरुआत है वो तो सबको पता है। और जो डी कंपनी है, बॉन्ड परिवार है, इनका जो गुजरात मॉडल है, भी आप कैश लोग कह रहे हो, इनका तो ड्रग लोग हो गया गुजरात, फर्जी तो टोल के लग जाते हैं, वहाँ पुल गिर जाते हैं, उनकी जांच नहीं होती है, तो पूरा देश देख रहा है। 70,000 करोड़ का आप आरोप लगाते हो, आपकी कंपनी में आ जाता है तो स्वेच्छा डायरेक्टर बन जाता है, पूरा देश इस बात को देख रहा है। पुरोहित जी, गुजरात मध्य प्रदेश पर भी जाएंगे, लेकिन पहले झारखंड पर रहते हैं, आलमगीर आलम पर पहले रहते हैं, उसके बाद हम गुजरात और मध्य प्रदेश भी चले जाएंगे। आप तो सीधा पहुंच गए एकदम गुजरात और मध्य प्रदेश, पहले झारखंड तो नाप लीजिए सर, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन आलमगीर आलम वही है ना, गांधी परिवार ने इन्हीं का नाम आगे बढ़ाया था। अब आप बोलने तो दोगे नहीं क्योंकि मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ। अरे वो खोलिएगा, पर पहले आलमगीर पर तो बात करिए। मैं भागता नहीं हूँ प्रश्नों से, उस पे भी आ रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश से आ जाता हूँ। आपने कहा तो कल ही परसों एआईसी को बजरी माफिया ने कुचल के मार दिया, तो बजरी माफिया क्या होता है सबको पता है, तो जो ये डी कंपनी है इनका सबको पता लग गया। जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हो, झारखंड में बंगाल की बात कर रहा हूँ, वहां भी किसी मंत्री के छापे में कितने करोड़ों रुपए मिल रहे थे, तो वो ही मैंने शुरुआत किया, आपने सुना नहीं। राजनीतिक व्यवस्था जो देश की है वो इस भ्रष्टाचार के आखंड में डूब चुकी है। अच्छा, इसके लिए कैसे क्या हो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सारे नेता ज्यादातर जो है ना इसको रोकने की आवश्यकता है। नोटबंदी की इन्होंने बात की थी, उसके बाद भ्रष्टाचार रुका क्या? चर्चा ये की जानी चाहिए कि हम किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को रोकें। इस भ्रष्टाचार को जब रोक पाओगे आप, जब पूंजीवादी व्यवस्था को रोकोगे। नहीं नहीं, पहले बोल लेने, नहीं नहीं आप ही को कह रही हूं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। डिबेट का भ्रष्टाचार करते हैं ना बैठ करके, डिबेट का भ्रष्टाचार ही होता है, बीच में नहीं बोलने देना किसी को। अरे पुरोहित जी, सुन तो रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हो फिर भी सुन रहे हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं, बोलिए ना।
अरे क्या क्या फालतू बात करते हो यार, क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला बताओ जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं क्या झूठ बोला? आप ही को कह रही थी कि आप गंदे शब्दों का मेरे लिए उपयोग मत करा करो आप। आज उनकी चर्चा मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। आज किसी ने कुछ नहीं कहा, आप तक शायद डिले पहुंच रहा है थोड़ा सा ऑडियो। आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात, कोई कुछ नहीं कह रहा है यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचारी जैसे अभी मंत्री पकड़े गए किसी पार्टी के, वो छापे पड़ रहे हैं, तो इसकी चीज पे चर्चा की जानी चाहिए। अगर आम आदमी की बात करते हो तो इतना पैसा कैश आता कहाँ से? ये इसलिए आता है कि नेताओं का, अधिकारियों का और पूंजीपतियों का एक नेक्सस बन गया, नेक्सस बन गया पूरे देश में। छोटे 10-20 करोड़ के तो टेंडर ही नहीं होते, 1,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 50,00,000 करोड़, ये इसलिए हो रहे हैं टेंडर कि बड़े बड़े ऊपर के ऊपर काम हो जाए। मैं तो सारी सरकारों की बात कर रहा हूँ, सब मिले हुए हैं, बीजेपी कुछ याद आ गया। रुकिए तो सही, लेकिन लेकिन आपने अपनी पहली लाइन में जो बोला मींस कि आप मान गए ना कि हाँ ये भ्रष्टाचार का ही पैसा है और बिना भ्रष्टाचार के तो राजनीति नहीं चल सकती, राजनीतिज्ञ भी नहीं चल सकते हैं, यही आपने कहा ना अपनी पहली लाइन में। मैं तो कह रहा हूँ अजीत पवार का भी उदाहरण दिया, मैंने अजीत पवार का भी उदाहरण दिया, नरेंद्र मोदी जी का भी दिया, कांग्रेस का भी दिया, मैं को इनकी जैसे डरता थोड़ा ही हूं। अगर आप जनता की आवाज उठा रहे हो तो सही उठाओ, और आज नहीं उठाना तो कह दो नहीं नहीं वो तो कैश था, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा इसका कैश है क्या है, वो तो एजेंसियां बता देंगी देश। मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब दे रहा हूँ पुरोहित जी, और मेरे को यहाँ से आदेश हुआ इसलिए आप गुस्सा मत होइएगा कि आपके बीच में नहीं बोल रहा। एक सेकंड, 10 सेकंड। अब पुरोहित जी, अब मेरी बारी आई, अब देखिए आप बोलेंगे मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सुनिए अभी क्या है, जो पुरोहित जी बात कर रहे हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट तो कर लिया, उन्हें कहा बिना नकद के तो कुछ नहीं चलता, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके टीवी पे कह रहे हैं ये पैसा तो मिलेगा ही, सबकी साठगांठ है, ये शब्द है इनके, सबकी साठगांठ है, नेक्सस चल रहा है, इनके शब्द है। अरे आपके नेताओं कोई, लेकिन वो आपके वालों के नाम भी गिनवा रहे हैं। नहीं गिनवाइए ना, पैसा किसके घर से निकल रहा है? आज आपके घर से पैसा निकल गया, इतना बड़ा अंबार निकल गया, 350 करोड़ साहू के घर से निकला था, और यहाँ पर बैठ करके एक्सेप्ट भी करते हो, और क्या भैकी की बात कर रहे हैं? कोई 10 करोड़ का टेंडर नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता। अरे देश में 10,00,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और भ्रष्टाचार को कम करना ये हमारे लिए कमिटमेंट की बात है, इसलिए आपके जैसा दौर नहीं रहा। 1 रुपया भेजेंगे तो 15 पैसे आएगा। आज 50 करोड़ नए जनधन के अकाउंट खुले जिसमें 2,00,000 करोड़ का पैसा है, 32,00,000 करोड़ डीबीटी से गया है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। आप देने जाते पुरोहित जी तो कितना खा जाते, मैं तो सोच सोच के कई बार ऐसे डरता हूँ। पर 35-35 करोड़ रुपए देश की जनता देख रही है, उनको एक दिन आनंद तो लेने दो। पुरोहित जी मैं आऊंगी, लेकिन एक बार चंद्र प्रकाश जी और मिश्रा जी, एक बार पहले चंद्र प्रकाश जी ये कितना काला धन है कि कितना पकड़ा जा रहा है, कितना पकड़ा जा रहा है, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये इलाज पक्का नहीं हुआ है क्या? अभी पुरोहित जी कह रहे थे पक्का इलाज करने की जरूरत है, पक्का इलाज नहीं हुआ क्या? ये काले धन से ज्यादा बड़ी बात ये पाखंड। आज इन्होंने स्पष्ट रूप से टेलीविजन पे बैठ के कांग्रेस की तरफ से जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, ये तो जनरल सामान्य बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पैसा लिया तो क्या बड़ी बात की। ये वही जो जीरो थ्योरी थी, जीरो लॉस थ्योरी, उसी का ये एक विस्तार है जो आज हम देख रहे हैं टेलीविजन पे। हाँ ये बात है कि कांग्रेस अब इस मामले में बहुत स्पष्टवादी हो गई है, उसको कोई शर्म नहीं है। ये 30 करोड़ मिले, आज वो खुश है कि 30 ही करोड़ मिले, हो सकता है अभी पीछे के कमरे में और अभी निकल रहे हो, अभी गिने जाने हो। धीरज साहू में भी यही देखा हमने कि उस समय उन्होंने कहा कि ये तो बिजनेसमैन है और वो 200 करोड़ मिले तो कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने ये भी चुनाव है तब सामने आ गया, चुनाव है तब सामने आ गया, ये कर रहे हैं और ये जनता के सामने कर रहे हैं और जनता भी देख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब कुछ ढका छुपा नहीं बचा हुआ है जो कांग्रेस को कोई शर्म हो और कांग्रेस करे या पार्टी के उस कार्य उस मंत्री को निकाले, कोई समस्या नहीं है उनको, ये अब वो सामान्य है सब कुछ उनके। लेकिन